हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी त्योहारों वाली मिठाई आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है 250 ग्राम के करीब, ये 250 ग्राम ही है, तो मैंने उतना बुरादा लिया है। और ये आप चाहो तो ये फ्रेश नारियल से भी ये मिठाई बना सकते हो, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, स्किप नहीं करना। तो मैंने इधर गैस को ऑन किया है और एक कढ़ाई को रखा है, और मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। ये नॉर्मल दूध है, ना गर्म और ना ही ठंडा, ये नॉर्मल जो है, आप गर्म दूध भी ले सकते हो। तो यहाँ नॉर्मल मिल्क है, तो यहाँ पे मैं नाप के दे रही हूँ, 3 ग्लास लूंगी। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास मेजरमेंट करके दे रही हूँ दूध को, 3 ग्लास मैंने दूध लिया है। और इसको आप चलाते रहिए, नहीं तो ये जल सकते हैं। और उधर मैंने दूध को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। इधर मैंने काजू लिया है 2 मुट्ठी के करीब, और इसको मैं पीस लूँगी। और ये मिठाई बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होने वाली है। इसको एकदम पूरा महीन पीस लीजिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, काजू नहीं है तो मिठाई बनेगी नहीं, बनेगी 100% बनेगी। और इधर मिल्क देखिए हो चुका है गर्म, खोल चुका है 2-4 मिनट। उसके बाद मैंने जो पीसा था काजू को, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ वही नाप करके 3 ग्लास, जितना आप दूध लो उतना ही मेजरमेंट करके आप यहाँ पे नारियल बुरादा दे दीजिए। और इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से लग सकते हैं। और आप इस जो मिश्रण है, इससे आप बहुत सारे तरह की मिठाइयाँ बना सकते हो, बहुत अपनी अपने शेप में, बहुत सारे शेप इसके बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास चीनी लिया है भर के, जिस ग्लास से मैंने दूध और बुरादे को डाला उसी ग्लास से 1 ग्लास चीनी लिया है। और यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, एक बड़े स्पून से 1 स्पून भर के। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पे आप खोया भी डाल सकते हो मावा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी मिठाई बनेगी बहुत अच्छी। और इसको चलाते रहिए जब तक ये, तब तक ये चलाइए जब तक ये आपको लड्डू बनने के जैसा ये नहीं हो जाए, जिस तरह से सूजी का हलवा बनाते हो ना, उस तरीके से ये गाढ़ा होना चाहिए। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाइए, अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये जल सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज। और पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए ये ऑलमोस्ट अब होने वाला है, तो दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से दिखना चाहिए, होना चाहिए, अभी हो गया डन। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं 4-5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और इधर मैं एक मैंने ट्रे लिया है, और इसमें मैंने नारियल का बुरादा फैला लिया है, जिस तरीके से हलवा बनाते हैं ना, तो मैं यहाँ नारियल का बर्फी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप ये ठंडा होने के बाद आप इसको हलवे की तरह फैला लीजिए, जितना भी आप ठीक या पतला जितना भी रखना चाहते हो, मैंने इस तरीके से किया है। और इसको हाथ से बराबर कर दीजिए। और अभी तो बहुत सारा त्यौहार है, रमजान है, होली है, तो मिठाई तो बनना बनता है। तो मैंने पूरी तरी अच्छी तरीके से फैला के इसमें ऊपर से भी नारियल का बुरादा छिड़क दिया है। और इसको मैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी बस। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा बर्फी बन के परफेक्ट तैयार होगा। मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा था, क्योंकि वीडियो में मुझे दिखाना था ना आप लोग को। और इधर हाफ मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, और ये ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि बार बार सेम ही लड्डू बर्फी क्या बनाऊं, आज अलग शेप देती हूँ, क्योंकि शेप अलग अलग होने से भी
मिठाई अलग अलग दिखता है, टेस्ट तो सेम रहता है लेकिन मिठाई ही लगता है कि अलग है। और आप मार्केट में जाते हो ना तो एक ही काजू कतली, काजू से जो बनाए जाते मिठाई, वो टेस्ट सेम रहता है लेकिन उसका शेप अलग होता है, तो इसीलिए अलग अलग नाम भी रहता है। तो घर में भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से पेड़ा लड्डू की तरह बना के उसके बाद इसको थोड़ा सा पेड़े की तरह आकार दिया है और बीच से मैंने इसको दबा दिया है। और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो बीच में आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो। मैंने आज कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया क्योंकि नारियल में ये जो है खुद का बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है, इसमें ज़रूरत नहीं है कोई भी ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि ये खुद ही बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी लिया है एक बाउल में और थोड़ा सा फूड कलर लिया है एक चुटकी के करीब। और मैंने यहाँ पे सजावट के लिए, क्योंकि मिठाई बन रहा है तो इसको सजाना तो बनता है ना, केसर थोड़ा सा लिया है और एक एक धागा यहाँ सारे मिठाई पे मैंने फैला लिया है। अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सब तो सिर्फ सजावट के लिए है। टेस्टी मिठाई अपने आप में बहुत टेस्टी है, स्किप भी कर सकते हो, है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे घी और थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर है ये, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स करके डाल दिया है। मैंने दूध में मिक्स करके नहीं डाला है क्योंकि दूध थोड़ा सा लिक्विड रहता है ना, तो मिठाई हो सकता है ख़राब हो जाए, ज़्यादा दिन तक नहीं चले। और ये आप स्टोर करके 15-20 दिन तक खा सकते हो फ्रिज में। तो देखिए इस तरीके का दिखता है, कितना टेस्टी लग रहा है, ना अलग मिठाई लग रहा है कि ये सेम ही चीज़ से बना हुआ है। और मैं यहाँ पे एक घंटा लगभग हो चुका है तो मैंने निकाला है फ्रिज से ट्रे को, उसके बाद मैं इसको बर्फी का शेप दूंगी। आप चाहो तो इसको काजू कतली के जैसा डायमंड शेप दे सकते हो, मैं नॉर्मल ही कट कर रही हूँ, मैं इजी फीजी ही खोजती हूँ कोई भी चीज़, कोई बात नहीं। तो आप अपने अपना जो भी पसंद हो आप अपना शेप दे सकते हो। तो आप भी बताना आप होली पे कौन सा मिठाई बना रहे हो, क्या क्या तैयारियां कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर बोलना प्लीज। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है और मैं इसको एक कलछुल से, यानी कि जिसे हम सब्जी बनाते हैं ना, उससे निकाल के देखिए दिखा रही हूँ। अभी एक ही घंटा हुआ था इसीलिए थोड़ा सा मुलायम है, आप एक दो घंटे के लिए और छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए परफेक्ट बर्फी तैयार हो गया है ना मावे वाला, बहुत टेस्टी लग रहा है, देख के लग रहा है खा लूँ। इसका मैं प्लेटिंग करती हूँ क्योंकि मिठाई बनाए अगर कोई रेसिपी बनाओ उसका प्लेटिंग करो तो वो कुछ और ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आप भी बताना आपको मेरा रेसिपी कैसा लगता है। तो हो गया बर्फी, नारियल की बर्फी तैयार त्यौहार के लिए। और अभी तो बहुत सारा त्यौहार चल रहा है ना, रमजान, होली, सबका त्यौहार है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया डन। अब आते दूसरे मिठाई की तरफ। लग रहा है ना अलग अलग चीज़ों से बनी हुई मिठाइयाँ, बस ये दो या तीन चीज़ डालो बस हो गया, बन गया मिठाई, कितना परफेक्ट दिख रहा है ना, बहुत यमी टेस्टी दिख रहा है। तो अच्छे अच्छे रेसिपी आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर मुझे करिए कि आप क्या बना रहे हो। तो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियो को शेयर करिए प्लीज, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो में। बाय।